मेरा ये लवेबल रास्कल है, कमाल का काम कर रहा है ये लड़का, ये तो मैंने इसको भी देखा ही नहीं है। बहुत इस बार चला जाए और आप सब देख पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिश डी चौहान। आई होप यू ऑल आर वेल, सब लोग ठीक है अपने अपने घर पर। सो गाइस, इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है भरपूर ट्रैफिक से, आप खुद ही देखो। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मुंबई की ट्रैफिक है इतनी ज़्यादा। सो यस गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ मेरे सेट पर, आज है नाइट शूट। पता नहीं, जब जब नाइट शूट होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यस गाइस, आई एम सो सॉरी बिकॉज मैंने व्लॉग शूट किया था मेरा फर्स्ट डे, जो कि मैंने एडिट भी कर दिया था, बट पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, क्या हुआ, उसकी वजह से वो व्लॉग एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था। सो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो फ़ोन में ग्लिच हो रहा है, इंस्टाग्राम पर भी ग्लिच हो रहा है, अब तो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो यस, हियर इज अनदर व्लॉग, मतलब फर्स्ट व्लॉग ऑफ पुण्यश्लोक अहिल्या बाई एस मालेराव होलकर। तो जैसे कि मैंने बोला, आज नाइट शूट है, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही अच्छे अच्छे सीक्वेंस आ रहे हैं। तो अगर आप मेरा शो नहीं देख रहे हो पुण्यश्लोक अहिल्या बाई, जो कि हर सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे आता है सोनी टीवी पर, तो देखना शुरू कर दो। और जो लोग देख रहे हैं उनको ढेर सारा प्यार, ऐसे ही प्यार मुझे भी करते रहो। सो गाइस, सेट पर आ तो चुका, बट हुआ ये कि मैं पहुंच चुका हूँ, वैनिटी आ चुकी, बट जनरेटर नहीं आया जिससे वैनिटी चलती है। तो तब तक मेरा हॉर्स आ चुका है, तो सोचा क्यों ना अभी थोड़ी देर चला लूँ जब तक कोई आता नहीं है। तो लेट्स गो, चलो घोड़ा चलाते हैं। So yes, back to my room. अब रेडी होना है। Guys, have a look. So अब बस रेडी होना है और रेडी होके जाना है सेट पर शूट करने के लिए। So yes guys, done with the makeup. अब बारी है ड्रेस चेंज करने की। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा सीधा मालेराव के लुक में। सी यू। सो यस, ऑलमोस्ट 80% रेडी हो चुका हूं मैं। अब ये देखो आप लोग, सो अभी मतलब नाइट के पहले का सीन शूट्स हो रहा है, उसके बाद नाइट्स के अलग सीन है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। आज आप लोगों का आई एम डैम श्योर बहुत ही मज़ा आएगा। एंड आई नो मैं इसमें नॉट ऐसा वियर्ड नहीं, बट थोड़ा ऐसा अलग दिख रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं है इसके पहले मेरे व्लॉग्स में, मतलब शो में तो अभी देखे रहे हो आप लोग, तो ये थोड़ा अलग लग रहा है, आई नो। और इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत भी होती है मुझे बोलने में, क्योंकि वो थोड़ा लिप्स को स्टॉप कर देता है बोलने के लिए। बट या एट द एंड इट्स माय रोल, इट्स माय वर्क, जो कि मुझे करना ही पड़ेगा। तो यस गाइस, अब आप लोग देखो क्या क्या होता है। सो यस गाइस, ये है सुबोध सर, हमारे सेकंड यूनिट डायरेक्टर सर। धन्यवाद। हाँ, बहुत ही अजीब टाइम पे धन्यवाद नहीं बोला आपने। कुछ भी सेट पे मस्ती, या फिर हम लोग अभी क्या शॉट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले मेरे बारे में बताओ फिर बाकी सब कुछ बताओ। हम लोग एंजॉय करते काम को, काम को एकदम स्ट्रेस लेके नहीं, एंजॉय करते भाई, और भाई ने भी एकदम कड़क काम करते हैं, समझते सीन को, परफॉर्म करते हैं, सुनते हैं। सबसे बड़ा वही एक्टर होता है जो लिसनर होता है, जो गुड लिसनर इज गुड एक्टर परफॉर्मर। तो ये वही मैं क्या बताना बोलना चाहोगे यूट्यूब के लिए, मेरे यूट्यूब फैंस के लिए। आप देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और क्या बोलना है, क्या करते हैं यूट्यूब पे?
और सब्सक्राइब कीजिए, ये बोलने की चीज़ ये तो पुराना हो गया, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। फिर और एक चीज है, और एक चीज है, और शेयर कीजिए। सो गाइस, एतिशा दीदी भी अब हर बार सोचते कि मैं सिर्फ व्लॉगिंग करता रहता हूँ बट डाल नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो ग्लिच में भी एडिट हो जाता है, क्या क्या सीन हो जाते हैं क्या पता। तो क्या बोलना है इस बार, क्या बोलना है, इस बार फाइनली चला जाए वीडियो, पहुंच जाए, इस बार चला जाए और आप सब देख पाए जो क्रिश अमेजिंग बीटीएस शूट करता है। एक्चुअली उसका दो काम है, मालेराव का भी काम करता है और ये शो का बीटीएस भी वही हैंडल करता है। बताना मत किसी को, सब कुछ यहाँ से ही आउट होता है। आई होप कि उसका अभी का जो वीडियो है और आने वाले सारे वीडियोस बिना ग्लिच के अपलोड हो, एंड यू गाइस कीप वाचिंग इट। और ये देखो, इधर ही देख लो, सब खड़े हैं। हेलो हेलो करो, आप लोग शो देखते हो? हाँ। सबसे प्यारा कौन है? अच्छा, ये इधर स्कूल में पढ़ते हो? सब स्कूल के कपड़ों में, सब लोग, एक मिनट, सब लोग स्कूल से भाग के इधर आ गए शो देखने के लिए। यही चल रहा है, बट पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। सही है, वेरी गुड। कोई नहीं, ऐसी ही मस्ती गाइस अभी भी चलती रहेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है इस व्लॉग की। आगे आगे देखो, पक्का बहुत मजा आएगा, क्या होने वाला है। सो अब जाके फाइनली नाइट शूट का शूट स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी तक तो इवनिंग का जितने भी सीक्वेंस है वो सब हुए, अब फाइनली नाइट के सारे सीन स्टार्ट हो रहे हैं। और अभी तो मतलब सिर्फ अभी तक तो रिहर्सल भी नहीं हुई, रिहर्सल होगी और उसके बाद टेक होगा। वाले को बताना कहां पे जाना बाद में। ऑल सेट, वेरी गुड, चलो वन रिहर्सल। गाइस अभी छोटा सा इंसिडेंट हो चुका है सेट पर, मतलब हुआ ये कि जैसे ही सर ने, मतलब मास्टर चल ही रहा था, ऑलमोस्ट सीन एंड होने वाला था, उसी के बीच में एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पर मतलब ये पूजा जो हो रही है उसके बीच में सब लोग हम पर अटैक कर देते हैं। तो वो अटैक के बीच में हुआ ये कि जो उन्होंने अपने ऊपर डाला हुआ है, जिसके अंदर से छुपा के वो लोग अपनी तलवार निकालते हैं, वो निकालने के चक्कर में गलती से यहाँ पर वो जो बाजू में जो साइड में ऐसा जो फायर का है, वो फायर का गलती से लग गया, और जो यहाँ पर एक एक्टर है जो आए हैं उनके सीधा पैर में कपड़ों पे जाके लगा। सो मुझे लगा मुझे भी आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। आई नो आप सब लोगों को पता है कि जो हम लोग करते हैं वो बहुत ही, मतलब इट्स नॉट दैट इजी, बट आई जस्ट वांट कि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या सीन्स हो जाते हैं जिसके लिए हमें, मतलब जो हमें पता भी नहीं होता है, ऐसे सडनली कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो अभी भी सब लोग पीछे वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, सो आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों के साथ आके शेयर करूँ। सो यस गाइज, जब हम लोग आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इन रिवर्ट हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आप लोग हमारे शो को उतना ही प्यार करो, उतना ही सपोर्ट करो, ताकि हमारा शो ऐसे ही चलता रहे। तो यस गाइज, प्यार करते रहो। और ये आदमी छुप गया, वेरी नाइस। अभी सिर्फ क्लोजेस बाकी है, क्लोजेस करने के बाद हमें जाना है अंदर वाले सेट पर, मतलब महल वाले सेट पर, वहाँ पर भी सीन है। ये देखो बस क्या चल रहा है यहाँ। रेडी स्टैंड बाय, तुम लोग सब उठ चुके हो, सब सामने देखो, ये पीछे सारे रुक, क्या हो रहा, रोलिंग एक्शन, रुको अभी यहाँ पर मेरा लास्ट शॉट है इस यूनिट में, फिर जाना है हमें दूसरी यूनिट में जो कि महल में शूटिंग चल रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 से 4 सीन कंप्लीट किए, वहाँ पर और 2-3 सीन्स हैं, अब उन्होंने लाइट कवर कर दी, ठीक है थोड़ा काला लगने लगा रहूँगा, इट्स ओके। तो वहाँ पर भी 2 सीन हैं जो कि करने हैं, तो अभी यहाँ से कंप्लीट होगा, वहाँ जाके वो 2 सीन करेंगे, उसके बाद हो जाएगा पैकअप। और अभी बज रहे हैं, 1 बज रहा है ना, मोटा 1 बज रहा है, और 1:06, मतलब 1 बज चुका है 1:06, और उधर जाकर 2 सीन करने में पकड़ लो 4:30 बज जाएंगे, मतलब सुबह तक इधर ही हूँ। फिर कल का दिन आराम, फिर रात को फिर से शूट, फिर एक दिन छुट्टी मिल जाएगी जिसके लिए वो लोग वापस आ जाएंगे उसी सीक्वेंस में, सुबह 6 बजे। सो
यस गाइस, यहाँ से इस यूनिट से हो चुका है मेरा पैकअप, अब जाना है दूसरी यूनिट के लिए जहाँ पर सुमित सर डायरेक्ट कर रहे हैं, जो मेन डायरेक्टर है अभी इस शो के, सुमित सर। तो अभी वहाँ पर जाके दो सीन करने हैं, उसके लिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, तो बस वहाँ जाना है और फटाफट दो सीन करना है, फिर पैकअप। अभी दो बज चुके हैं ऑलरेडी और दो सीन है, तो मतलब 5 बज जाएंगे, सुबह हो ही जाएगी मतलब। तो चलो अभी वहाँ चलते फटाफट। सो अब मैं आप लोगों को मिलवाऊँगा उनसे जिनसे मेरे इस सेट पर बहुत ज़्यादा बनती है, झगड़े में भी और प्यार में भी। ही इज़ वन एंड ओनली कंगो बतात्या गैंग्स। हेलो, हाउ आर यू? डिड यू मिस मी? हाउ मच? लिटिल बिट, नॉट मोर। या बट आई वाज बिजी वर्किंग इन माय या लिटिल बिट मोर। सी दिस इज मच मोर। थैंक यू। ये सिर्फ इन्हीं के साथ मैं सबसे ज्यादा मस्ती करता हूँ। और मुझे प्यार से क्या बुलाते हैं वो सुनो, क्या बुलाते हैं प्यार से? ये मेरा ये लवेबल रास्कल है। लवेबल रास्कल अलग, मैं कुछ नया लेकर आई है। यस गाइस, नाउ लेट्स मीट माय वाइफ। नहीं, माय वाइफ मतलब जो इस शो में मेरी वाइफ बनी है, मैना भाई। आओ उससे मिलते हैं। हे गाइस, सो व्हाट इज दिस? This is your vlog and I know about it. How do you know about it? Because I'll tell you. तो अब हुआ ये कि मेरे फैंस ने इसका जी खाना शुरू कर दिया कि आप क्रिश को कहो कि वो व्लॉग बनाए सेट का। बोलो क्या क्या बोला? मेरे को फैंस ने काफ़ी सारे मैसेजेस किए थे कि क्रिश भैया को बोलो व्लॉग बनाए, थोड़ी बहुत क्लिप्स अपलोड करें हैं सेट के, यू नो। तो वो मैंने शुरू कर दिया है, राइट? आज मैंने प्राउड ऑफ हिम। या थैंक यू, सब प्राउड फील करते हैं। ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला हफ्ता ऐसा लगा हम दोनों को बहुत ऑकवर्ड, बट नाउ चिल सीन्स हो रखे हैं यहाँ पे, फुल पावर। तो क्या बोलना है इन लोगों को? हमारे सीरियल को पुण्यश्लोक अहिल्या बाई को बहुत सारा प्यार देते रहे, मेरे कैरेक्टर को बहुत सारा प्यार देते रहे। मालेरा को तो प्यार मिलता ही है, बट देन प्लीज यू नो बांटते रहे प्यार। हाँ, बांटते रहे, दैट्स ऑल। सो आप ऑलमोस्ट सब लोगों से मिल चुके हो आज के दिन में, ठीक है? So, अब मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ मेरी आजी से। okay. आ जाइए। Hi, hello. So, this is my YouTube channel. Okay, wonderful. सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात। अच्छी बात कि इनका जल्दी बैकअप हो गया है। बुरी बात ये कि मेरा अभी तक बैकअप नहीं हुआ, जो कि मैं कब से आया था, सबसे पहले आने वाला मैं अकेला। मैं 3 बजे आया हूँ, आफ्टरनून। अभी तक पैकअप नहीं हुआ और अभी बज रहे हैं। शिफ्टिंग हुई है, एक दूसरी जगह पे थी, अभी ये दूसरी जगह पे आया। इट्स ओके, दैट्स ओके। दिस इज पार्ट ऑफ आवर जॉब एंड दिस इज व्हाट वी लव डूइंग एंड इट्स फाइन। व्हाट यू वुड लाइक टू से अबाउट मी, अबाउट अस और अबाउट द शो? या ये बहुत प्यारा लड़का है और जब मुझे पता चला कि मैं अहिल्या में आ रही हूँ, मेरा प्रवेश हो रहा है एज गौतमा, और देयर आई सेड ओके लेट मी सी द पहले के यू नो एपिसोड्स क्या हैं, जस्ट टू नो व्हाट गौतमास कैरेक्टर इज। एंड फिर मैंने देखा तो ये तो बालक छोटे से खंडराव बने हैं, तो आई वाज लाइक रियली इम्प्रेस्ड। ऐसे रे बड़ा बड़ा कमाल का काम कर रहा है ये लड़का, ये तो मैंने इसको कभी देखा ही नहीं है। तो आई लाइक ओके, एंड देन फिर मैं इससे मिली हूँ 3 बार मिल चुके हैं हम लोग ऐसे रैंडमली मिल चुके हैं। एंड देन फिर उसके बाद एक बार मैं अच्छे से थोड़ी सी बात हुई थी एंड पार्टी फसावी की सवारी वाले उसमें, एंड देयर ही सेड कि अरे आप मतलब मैं चला गया और आप आए एंड वी डिडंट गेट अ चांस टू वर्क टुगेदर। आई सेड डोंट वरी, यू विल गेट अ चांस। एंड अब मैं आप लोगों को एक बहुत कमाल की बात बताती हूँ। कर्मा हिट्स बैक, एब्सोल्युटली। एंड उस समय जैसा कहते हैं कि भैया सरस्वती जुबा पे दिन में एक सेकंड के लिए आती है, वो आ गई। हाँ, वो आ गई थी मेरी जुबा पर। एंड आई सेड डोंट वरी, तुम देखना क्रिश बहुत जल्द वापस आओगे। और मैंने ये भी बोला था कि तुम हो सकता है मालेराव की बड़े बनकर आओ जब मालेराव बड़ा हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। So this is really nice and we've worked together now. So this is good. आपकी एक इच्छा पूरी हुई। Yes, of course. And he's a fabulous guy and बहुत मेहनती लड़का है, अच्छा लड़का है, शैतान लड़का है, which is very good. जरूरी है। Yeah. And अभी तो मैं छोटा सा नन्ना सा बच्चा हूँ। Yes, absolutely. And the show is beautiful and we have a beautiful time shooting.
सो यस फाइनली डन फॉर द डे, हो चुका है पैकअप, बहुत थक चुका हूँ गाइस, सुबह हो चुकी है यार, 5 बजना है, ज़रा भी एनर्जी नहीं है बपी बॉडी में, घर जाना है, घर जाके सोना है और फिर और भी प्लान्स है कि क्या करना है आज के दिन, पूरा दिन आज का दिन भी पूरा यूज़ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या क्या प्लान्स बनते हैं। तो अभी घर जाना है, घर पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लगेगा। एंड येस गाइस, हियर आई एम एंडिंग माई व्लॉग, आई होप आप लोगों को बहुत 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 मज़ा आई हो, मैंने ट्राई किया, मैं जितना भी कवर कर सकता हूँ मैंने कवर किया, आप लोगों को एंटरटेन किया। एंड यस, मैं बस बदले में यही चाहता हूँ आप लोगों से, कुछ नहीं चाहता ज़्यादा, बस ये चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूँ, उसको आप देखो, उसको आप प्यार करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसे होता है, क्या होता है। और तैयार रहो मेरे नए नए दूसरे व्लॉग्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, जो कि मैं अब डालने वाला हूँ एवरी डे। ओके सो यस, हियर क्रिश शॉन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सी यू सून।